जब से GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से पूरी दुनिया में सिर्फ रॉकस्टार गेम्स और GTA 6 के बारे में बातें हो रही हैं। एंड आज के इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ रॉकस्टार वर्सेस ट्विटर की कंट्रोवर्सी के बारे में, और साथ ही साथ GTA 6 के ट्रेलर की ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने जरूर मिस आउट करी होंगी। एंड उसके साथ साथ मैं GTA 6 के ट्रेलर के ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस भी बताने वाला हूँ जो कि GTA 6 के ट्रेलर के लिए रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट को मिस मत करना। एंड ये वीडियो दो पार्ट में होगी, जिसमें एक पार्ट में मैं रॉकस्टार गेम्स और ट्विटर की कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करूंगा और एक पार्ट में मैं आपको GTA 6 की काफी छोटी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस जो कि GTA 6 के ट्रेलर के रियल लाइफ से लिए गए हैं। जेसन एंड लूसी का जो कैरेक्टर है वो क्लाइडन एंड बोनी से इंस्पायर्ड है, जिनकी कार के पीछे कुछ बुलेट्स के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस लूसी एंड जेसन के पोस्टर वाली कार में भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको जो ट्रेलर में दो बड़ी वाली बिल्डिंग देखने को मिलती है वो रियल लाइफ बिल्डिंग से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है 500 ब्रिकल्स। ये जो आप स्पीड बोट ट्रेलर में देख रहे हैं ये एक मूवी से इंस्पायर है जिसका नाम है मायामी वाइस। आप साइड बाय साइड इस चीज को देख भी सकते हो। GTA 5 में जो आपको लाइट हाउस दिखाया गया है वो भी GTA 6 के हैंक वुल्फ डाइनर के कैश रजिस्ट्रेशन के पीछे देखने को मिलता है। GTA 5 सिटी की जो लेजेंडरी कार है वो भी ओशन होटल व्यू के अपोजिट में देखने को मिलती है, जो कि GTA 6 में वाइस सिटी के वाइब्स बहुत मस्त दे रहा है। ट्रेलर में ये जो आप जोकर देख रहे हो ये भी रियल लाइफ जोकर से इंस्पायर्ड है, जो कि फ्लोरिडा में एक जोकर है। एंड आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो ये दोनों कितने सिमिलर हैं, बस बालों का कलर एंड टैटूज वगैरह चेंज किए गए हैं, बाकी ये इसी से इंस्पायर्ड है। नाइट क्लब का ये जो सीन है उसमें एक ब्लैक टी शर्ट वाले मैन को आप देख सकते हो, जिसके बैक पे लिखा होता है एक सिटी है, नाम है जो कि लिबर्टी सिटी। दिस ऑल्सो गिव्स ओल्ड वाइब्स। दी फ्लैट एल्बर्ट ब्लिम जो कि रियल लाइफ में मौजूद है फ्लोरिडा में, उसको आप इस गेम में स्टंट ब्रिज के पास में देख सकते हैं। बेंसिन जो कि पुराने GTA गेम सीरीज की सबसे फेमस कार है, इस कार को आप ट्रेलर में पुलिस को चेस करते टाइम भी देख सकते हैं। दी न्यू एंड ओल्ड सेवन ब्रिज जो कि गेम में देखने को मिलता है, उसको इस गेम में कन्वर्ट करके एक स्टंट ब्रिज बना दिया गया है जहाँ पे आप व्हीकल से स्टंट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं GTA 6 के ट्रेलर की छोटी छोटी डिटेल्स की जो आप लोगों ने जरूर मिस आउट करी होगी, एंड इसमें काफी तरह के सरप्राइजेस भी होने वाले हैं। तो गेम में बेसिकली मॉडर्न डे फीचर होगा, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या रियल टाइम लोगों को नेचुरली एंड एनवायरमेंटली ऑफ सोशलिटी वगैरह को आपको देखने को मिलेंगी। लियोनिडा उस सिटी का नाम होगा जो कि फ्लोरिडा को रिप्रेजेंट कर रहा है इन GTA 6 में। इन रियल लाइफ वाले फ्लोरिडा को गेम में लियोनिडा नाम दिया गया है, जो कि हम लोग ट्रेलर में देख भी सकते हैं, एज ये फ्लोरिडा का 99% सेम होगा इन दी गेम एज लियोनिडा। GTA 6 में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, एज ट्रेलर में आपको एलिगेटर्स देखने को मिल रहे हैं एंड फ्लेमिंगोस भी देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि गेम में और भी एनिमल्स को आप देख पाएंगे जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इन गेम कैरेक्टर जिसका नाम है लूसिया। इस कैरेक्टर को गेम में सबसे खतरनाक एंड सबसे बेस्ट इन गेम फीमेल रोल माना गया है, एज ये GTA की हिस्ट्री में पहली बार एक लीडिंग फीमेल कैरेक्टर होगी एज अ हीरोइन। जेसन जो कि मेन लीड हीरो माना गया है एंड वो लूसिया के साथ रिलेशनशिप में दिखाया जाएगा एज अ कपल, एंड जो व्हीकल आपको ट्रेलर में देखने को मिल रहा है वो उनका पर्सनल व्हीकल भी हो सकता है। मड क्लब, बाइकर गैंग्स एंड बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स जो कि गेम में अपना कमबैक करेंगे, जिससे ये गेम और भी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि एक पॉइंट है जिसमें आपको एक्सपेक्ट चीजें ना मिले, वो है स्ट्रिप क्लब एंड बार के सीन में जो फुटेज में जो जो चीजें आपको देखने मिली हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो GTA 6 में भी पिछले GTA गेम्स की तरह सब चीजें सेम देखने को मिल सकती हैं। बार एंड क्लब्स को लेकर ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। GTA 6 बहुत ही रियलिस्टिक गेम है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कि रियल लाइफ चेंजेस देखते हैं वही देखने को मिलेंगे। इन गेम लोगों के क्लॉस, हाइट, बॉडी शेप एंड साइड भी एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, ये गेम को और भी स्पेशल एंड और भी रियलिस्टिक बनाएगी। लूसिया जो कि कैरेक्टर है वो इधर टू काइंड में से एक हो सकती है, पहली वो पुअर दिखाई जाएगी एंड क्राइम्स एंड ऑल करके जेल हो जाएगी, या फिर हो सकता है वो पहले अमीर हो देन जेल जाना पड़ा हो फॉर सम रीजन। जैसे ही वो जेल से निकले तो जेसन के साथ टीम अप करके GTA 6 को काफी इंटरेस्टिंग कर दे। वेस्ट स्टोरी कुछ भी हो सकती है, क्या पता हमें ट्रेलर 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन और मिले इसके रिलेटेड, एंड तब तक शायद हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं। बट अभी के लिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, रॉकस्टार एंड ट्विटर की कंट्रोवर्सी। तो ट्विटर जो कि आज की डेट में एक्स बन चुका है, इसके CEO एंड ओनर को पता नहीं क्या ही GTA 6 के ट्रेलर से दिक्कत है,
वेल, अगर देखा जाए तो ये सब शुरू हुआ था GTA 6 के ट्रेलर को रिलीज होने के बाद। ट्रेलर के रिलीज होने से पहले यूट्यूब ने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला जिसमें GTA 6 ट्रेलर 1 की लिंक थी। तो हाँ, यूट्यूब एंड रॉकस्टार ने मिलकर पार्टनर किया था क्योंकि ऐसे कस्टम लिंक्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। अब ट्रेलर के रिलीज वाले दिन रॉकस्टार ने ट्रेलर को ट्विटर पे पोस्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा सिर्फ ये लिखा था कि तो GTA 6 का ट्रेलर 1 आ चुका है, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हैं। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको ये चीज क्लियर कर दूं कि जब से ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स किया गया है तब से ही एक्स को काफी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, मतलब कि वहाँ पे लोग अपनी वीडियोस अपलोड करें, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम वगैरह ये सब करें। इवन एलॉन मस्क ने भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स को कहा था कि वो एक्स पर अपनी वीडियोस को अपलोड किया करें ताकि एक्स लोगों को एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह दिखे जैसा कि यूट्यूब है। एंड इसी के साथ तुम लोगों को पता ही कि GTA 6 कितनी बड़ी चीज है, तो बस GTA 6 को ट्विटर पर रिलीज ना करना ये कहीं ना कहीं इलॉन मस्क एंड उनकी ट्विटर टीम के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। सो आओ थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। सो 5 दिसंबर को GTA 6 का ट्रेलर लीक हो जाता है ट्विटर पे बाय BTC, एंड वो ट्रेलर काफी लो क्वालिटी में, खराब क्वालिटी में होता है। अनफॉर्चुनेटली रॉकस्टार गेम्स इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो ये सब देखने के बाद रॉकस्टार गेम्स फाइनली एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि हमारा ट्रेलर लीक हो चुका है, आप लोग यूट्यूब पे जाके प्लीज ट्रेलर को देख ले। एंड इस ट्वीट के साथ ट्रेलर की यूट्यूब लिंक भी अटैच थी। एंड बस कहीं ना कहीं ये सब देखने के बाद एक्स का ईगो हर्ट हो गया एंड उन्होंने इस पोस्ट को शैडो बैन कर दिया, जिससे कि आप देखोगे इस पोस्ट में ज्यादा व्यूज नहीं है एंड लोगों ने कमेंट में भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था। लेकिन कहानी यहाँ खाली खत्म नहीं हुई है। एक अकाउंट था जिसका नाम है ALX जिसने पॉइंट आउट किया कि रॉकस्टार के ट्रेलर लीक वाली पोस्ट पर यूट्यूब पर रिलीज ट्रेलर से ज्यादा व्यूज थे। वेल, अगर साइड बाय साइड दिखाऊं तो उस लीक वाले ट्रेलर पे 36 मिलियन व्यूज थे एंड वहीं ट्रेलर वाली यूट्यूब वीडियो पे 6.7 मिलियन व्यूज थे। एंड ये सब दिखाने के बाद उस बंदे ने पोक करते हुए रॉकस्टार गेम्स को कहा कि तुमको ट्रेलर ट्विटर पे ही पोस्ट कर देना चाहिए था, ना कि यूट्यूब पे। अब अगर तुमको रियलिटी बताऊं तो ट्विटर पे स्क्रॉल करने से ही व्यूज काउंट हो जाते हैं, वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की वीडियोस पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड देखने के बाद ही तुम्हारा व्यू काउंट होता है, अदरवाइज व्यू काउंट नहीं होता। एंड वहीं उस ट्वीट पे एक्स की CEO लिंडा ने भी ट्वीट करके कहा था कि ट्रेलर को तो एक्स पे ही अपलोड कर दो, लेकिन यहाँ पे रॉकस्टार गेम्स ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। इसी बीच इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए ये कहा कि उन्होंने काफी सारे गेम्स को ट्राई करे हैं बट उन्हें क्रिमिनल गेम्स पसंद नहीं है। GTA 5 के पहले मिशन में पुलिस को मारना होता है जो कि वो नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे इलॉन मस्क रॉकस्टार को ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं ये तो बताना मुश्किल है, बट ये रॉकस्टार गेम्स को पोक करने के लिए जरूर था क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने ट्रेलर को ट्विटर पे पोस्ट नहीं किया था। एंड इसी के कुछ घंटों बाद रॉकस्टार गेम्स ने ट्विटर को टैग करते हुए लिखा कि हेलो, वॉच दी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA 6 ट्रेलर 1। एंड ये बहुत सही सैवेज रिप्लाई था भाई। वेल, कहा जा रहा है कि जब से GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही सैम हाउजर ही उनका ट्विटर अकाउंट संभाल रहे हैं जो कि रॉकस्टार गेम्स के को फाउंडर है। एंड ये वाला पोस्ट भी सैम हाउजर ने खुद ही बनाया था जिससे कि वो X.com और इलॉन मस्क को करारा जवाब दे पाए। अब इसके बाद एक्स ने भी इनको थैंक यू बोला और सबको लगा कि ये कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो चुकी है, बट नहीं, अब ट्रेलर एक्स पे भी अपलोड हो चुका था लेकिन इलॉन मस्क ने रॉकस्टार को फिर से पोक करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ कुछ फैन GTA 6 को बुरा भला कह रहे हैं वहीं कुछ फैन इलॉन मस्क को भी बुरा भला कह रहे थे। एंड ये सब इलॉन मस्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने ट्रेलर ट्विटर पे बहुत लेट पोस्ट किया था और रॉकस्टार गेम्स का तो ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था, उन्होंने तो बस ट्विटर को ट्रोल करने के लिए ये सब किया था। वेल, तुमको क्या लगता है इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड ये तो बस कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत है, आगे जाके तो और भी कॉन्ट्रोवर्सी GTA 6 के रिलेटेड होने वाली है क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं, GTA 6 का गेम लॉन्च हुआ और कॉन्ट्रोवर्सी ना हुई हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इफ तुमको अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर तुम्हें इसी टाइप का गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।